75व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या आपल्या भारताच्या सगळ्यांना खूप शुभेच्छा. आज मी माझे बाबा डॉक्टर अनिल राजवंशी यांना आमंत्रित केलंय तुमच्या सगळ्यांशी बोलायला. आणि त्यांचा स्वातंत्र्य लढ्याचा खूप अभ्यास आहे, त्यांनी खूप त्याच्याबद्दल वाचन केलेलं आहे. त्यांचे स्वतःचे वडील डॉक्टर जगदीश प्रसाद राजवंशी हे स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झाले होते, गांधीजींबरोबर तुरुंगात गेले होते. तर ते आज आपल्या सगळ्याशी स्वातंत्र्य दिनाचा नक्की अर्थ काय ह्याच्याबद्दल बोलतील, आणि विशेष करून गांधीजींचा स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये काय सहभाग होता ते आपल्याला सांगतील. त्यांचं एक अर्ध्या तासाचं प्रेझेंटेशन असेल, त्याच्यानंतर तुम्ही त्यांना प्रश्न विचारू शकता तुम्हाला काय असेल तर. ते आपल्याशी हिंदीमध्ये संवाद साधतील. ओके, आपका स्वागत है और आप अब शुरू कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं. और जो मेरा आज लेक्चर है वो इस पर है कि आप लोगों को क्या लगता है इंडिपेंडेंस डे पर, व्हाट इंडिपेंडेंस डे मींस टू अस. ओके, तो इंट्रोडक्शन. आज 75th इंडिपेंडेंस डे है. 75 साल पहले और 74 साल पहले भारतवर्ष को आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, और 1947 में. तो ये 75th इंडिपेंडेंस डे है. तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि तुम सब बच्चों को ये क्या एक हॉलिडे होती है कि भाई आज छुट्टी है, चलो पिकनिक करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे. लेकिन क्योंकि ये इस समय कोरोना का पैंडेमिक है इसलिए कहीं जा नहीं सकते, तो ये बहुत ही बढ़िया समय है जहाँ पर सोचने का कि इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या है. हमें हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, और क्या आप लोग जो कि फ्यूचर हो इस देश का क्या कर सकते हो जिससे कि ये देश जो है बहुत महान देश हो जाए. तो पहले तो ये है कि मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या है. मतलब ये है कि अंग्रेजों ने हमें बहुत 200 साल से हमारे ऊपर हमारे ऊपर रूल किया, हम उनके गुलाम थे 200 साल तक, उन्होंने बहुत ही शोषण किया, और उसको इंडिपेंडेंस दिलवाने में गांधी जी और बाकी लोगों ने क्या योगदान दिया और कैसे हमें आज़ादी मिली, इसके बारे में बात करेंगे. फिर उसके बाद में इंडिया की फाइट कैसे हुई, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, और बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण की बात है कि कैसे तुम लोग सब बच्चे, क्योंकि तुम ही जो है इस देश के फ्यूचर हो, और आगे बढ़कर तुम ही लोग जो है इस देश की बागडोर संभालोगे चलाओगे, तो हम सब मिलकर कैसे इस देश को एक महान देश कर सकते हैं. तो पहले तो मैं बताऊंगा कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ और छोटा सा इतिहास भारत इंडिपेंडेंस मूवमेंट में. ये जो फोटो लगाई है इसमें आप लोग सब देख रहे हो कि कैसे वो गोरा अंग्रेज जो है उसकी कैसे खातिर करी जा रही है हिंदुस्तानियों ने. हम लोगों पर इन्होंने 200 साल तक रूल किया, और बहुत ही खराब उनका रूल था, क्योंकि उनका सारा जो पर्पस था वो ये था कि देश को लूटना, और सारी जो यहाँ से वेल्थ थी, हीरे जवाहरात सोना चांदी, यहाँ से सब जो है वो इंग्लैंड को ले गए. ये बच्चों तुम लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि इंग्लैंड जो था वो बहुत ही गरीब और बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था, और जो सारी जायदाद और सारे सोने चांदी जो हिंदुस्तान से इन लोगों ने लूटे उसी से वो समृद्ध हुआ, बढ़ा और बहुत बड़ी ताकत और एम्पायर बन गया. तो ये बहुत लोग सोचते नहीं है कि इंग्लैंड जो था बिल्कुल ही बेकार का देश था, लेकिन हिंदुस्तान की वेल्थ और हिंदुस्तान की जो संपत्ति थी उसको लूट कर इन लोगों ने अपने देश को बढ़ाया. और उससे भी ज़्यादा जो खराब चीज़ थी हुई थी कि हमारी जो पर्सनल
डिग्निटी है उसको एकदम खत्म कर दिया। हर आदमी जो था ये जो यहाँ हिंदुस्तान का था वो सोचता था कि बस अंग्रेज ही जो है वो सबसे बड़े लोग हैं, वो गोरा आदमी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। हम मेरे फादर जो कि गांधी जी के साथ जेल गए 1942 में, वो बताते थे कि जब भी कोई गोरा फुटपाथ पर आता था तो इतना भय लगता था कि हम लोग जो हिंदुस्तानी थे वो हम लोग नीचे हो जाते थे। बोलो हमारे ही देश में हमारी ज़मीन पर हम लोग जो हैं इतने घबराते थे उनसे कि जब भी कोई गोरा अगर उस पर फुटपाथ पर आए तो हम लोग बराबर हो गए। तो ये मनोबल जो था इतना कम कर दिया था अंग्रेज़ों ने कि उसको ही मनोबल को उठाने में सबसे बड़ा हाथ जो था वो गांधी जी का था। और जब मनोबल बढ़ा तब हम लोगों ने अपने देश की बागडोर अपने हाथ में ली, उनको निकाल फेंका। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अंग्रेज जो थे खाली 3 लाख थे इस देश में जो भी चलाते थे, और हमारी जो थी संख्या 30 करोड़ थी उस जमाने में। तो 3 लाख लोग जो है 30 करोड़ संख्या के क्या कहते हैं देश को कैसे चलाते थे, कैसे बुरी तरह से ट्रीट करते थे, ये बड़ी भारी खराब चीज़ थी। ये एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों के टाइम पर एक इतने ज़्यादा अकाल पड़े कि 1 करोड़ लोग मरे उसमें। ये कभी भी नहीं हुआ किसी भी देश में कि जो खराब गवर्नमेंट गवर्नेंस थी अंग्रेज़ों की वो जानबूझ के उन्होंने सारे किसानों को लूटा, सारे यहाँ की पैदावार ले जाते थे, बहुत चीज़ें थी उन्होंने जो करी थी जैसे कि 1 करोड़ लोग जो थे वो इस देश के मरे, खासतौर से बंगाल में, बिहार में और बाकी जगहों में। तो उन लोगों ने हमारे खाली धन को नहीं लूटा बल्कि हमारी पर्सनल डिग्निटी जो है वो भी ख़त्म कर दी। तो टॉमी ऑन फुटपाथ जो अंग्रेज थे उनको बोलते टॉमी, ये उनका वो था उनका नाम दिया गया था। और सारी जो चीज़ थी कि जरा सा भी थोड़ा सा गड़बड़ करते थे हमेशा पुलिस का डर रहता था, हमेशा ये रहता था कि कुछ भी किया तो आप पर ये सेडिशन चार्जेस लगा दिए जाएंगे जैसे कि आप विदेश द्रोह कर रहे हैं। अरे हमारे देश में ही ये इतना गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको निकालने की बात हो रही है। और जहाँ भी लोग अपनी आवाज़ उठाते थे वो हमेशा कहा जाता था कि सेडिशन, हमेशा कहा जाता था कि देशद्रोह कर रहे हो। तो ये चीज़ जो है जो उस जमाने में थी कि पुलिस का डर और ये देशद्रोह का डर, तो यही चीज़ जो है अब वापस आ रही है। तो इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहना है। तो उस गुलामी को हमें ख़त्म किया, अब कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और नई गुलामी आ जाए। तो यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इस देश की बागडोर संभाली 1919-20 में, और उन्होंने ही जो है सबसे बड़ा दान दिया देश को आज़ादी दिलाने में। ये मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ गांधी जी की दांडी मार्च में। दांडी मार्च जो है वो दुनिया के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मार्च है। हम जब IIT कानपुर में पढ़ते थे तो एक बहुत फेमस अमेरिकन प्रोफेसर थे डॉक्टर जॉन गैलब्रेथ, वो हिंदुस्तान के अम्बेसडर भी थे, हम हिंदुस्तान में वो US के अम्बेसडर भी थे। और वो माओ से तुंग जो कि बहुत बड़ा लीडर था चाइना के, उससे मिलके आए थे और वो हमारे IIT कानपुर में आकर उन्होंने भाषण दिया था। तो उन्होंने हमें बताया था कि चाइना की सबसे महत्वपूर्ण मार्च थी लॉन्ग मार्च। शायद बच्चों तुम लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन लॉन्ग मार्च से ही जो है माओ से तुंग ने आज़ादी प्राप्त करी थी। और माओ से तुंग ने कहा था गैलब्रेथ को कि उसकी प्रेरणा जो है लॉन्ग मार्च की उनको दांडी मार्च से मिली। तो गांधी जी का इतना इन्फ्लुएंस था, उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय अखबार जो है खबरें बहुत देर में पहुंचती थी, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है सारी दुनिया में पहुंचती थी और सारे दुनिया के लोग जो है गांधी जी को समझते थे कि एक बहुत बड़ा महान लीडर जो है इस धरती पर पैदा हुआ है और उसका जो प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस वो बहुत ही बड़ा और बढ़िया चीज़ है। यहाँ तक कि आइंस्टाइन ने कहा कि कोई नहीं बिलीव करेगा कि ऐसा महान आदमी जो है इस धरती पर पैदा हुआ। और गांधी जी ने आकर
यहाँ पर जो है पूरी लड़ाई की बागडोर ली, एक नया डायरेक्शन दिया भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को और पूरा चलाया। और 47 में हमें जो आज़ादी मिली वो सबसे ज़्यादा देन जो थी महात्मा गांधी की। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो था वो महात्मा गांधी ने चलाया था। उनको फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता की उपाधि जो थी वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ये बच्चों तुम लोगों को मालूम नहीं होगा कि लोग जो है दुनिया भर की बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से हमें आज़ादी मिली, ये कुछ नहीं। सुभाष चंद्र बोस खुद बहुत बड़े गांधी जी के भक्त थे। गांधी जी की वो हमेशा गांधी जी की क्या कहते हैं वो चाहते थे, उनका उनका सम्मान करते थे और वो कहते थे कि जब भी गांधी जी मेरे सिर पर हाथ रखेंगे मुझे बड़ा भारी वो मिलेगा। तो वो चाहे वो बाहर भी चले गए लेकिन हमेशा उन्होंने ये कहा कि गांधी जी जो है अगर मुझे हेल्प करेंगे और गांधी जी मुझसे वो करें मेरे मुझे आशीर्वाद देंगे तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। तो इसलिए जो है फादर ऑफ नेशन जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। उससे पहले गांधी जी को फादर ऑफ नेशन नहीं कहा था लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उनको बताया कि ये फादर ऑफ नेशन है। गांधी जी ने लाखों करोड़ों लोगों को, यंग लोग बच्चों को, यंग लोगों को इतनी प्रेरणा दी कि सब लोग जो है इसमें स्वतंत्र संग्राम में कूद पड़े। ये सबसे बड़ी ताकत थी गांधी जी में। कभी उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, सारा उनका मूवमेंट जो था पीसफुल था, लेकिन उनका थिंकिंग, उनका थॉट इतना ऊंचा था कि उससे बहुत ही सबको प्रेरणा मिली। सब सारे बच्चे, सारे यंग लोग, सब लोग जो थे उनको बापू मानते थे। बापू मतलब यह है फादर, क्योंकि उतना प्रेम था लोगों को, उतना उनके हर एक के हृदय में कि गांधी जी जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसलिए सारे हिंदुस्तान के लोग एकत्र होकर, कभी भी किसी भी देश में इतनी ज़्यादा एकत्र होना बिना किसी हथियार के, ये एक यूनिक चीज़ है भारत की जो कि गांधी जी ने सिखाई और दी। और मेरे फादर जो थे वो भी उनके ही इस आइडियलिज्म, उनके इस चीज़ से बहुत प्रभावित हुए और वो भी स्वतंत्र संग्राम में कूद पड़े। मेरे फादर जो थे वो 24 साल के थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे। उसके बाद में वो प्रोफेसर बन सकते थे। उस ज़माने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पीएचडी था बहुत ही बड़ी चीज़ होती थी, लेकिन उन्होंने सब छोड़ छाड़ कर और संग्राम मूवमेंट में छलांग लगा दी। और ऐसे हजारों लाखों लोगों ने, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने ऐसा काम किया। ये मैं अपने फादर की फोटो दिखा रहा हूँ। मेरे फादर जो हैं वो जगदीश प्रसाद राजवंशी, वो सबसे लेफ्ट में खड़े हुए हैं नेहरू जी के साथ, क्योंकि नेहरू जी उनको जानते थे, वो भी नेहरू जी के बच्चे जानते थे। तो ये 1951 की फोटो है। उस समय हमारे फादर 24 इयर्स के थे और वो 2.5 साल जेल गए गांधी जी के साथ। 42 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा लगाया था। उसका मतलब ये था कि ब्रिटिश से कहा गया कि आप छोड़ो और जाओ यहाँ से, हम अपनी अपने देश को हम ही चलाएंगे और हमारा ही जो है ये काम है अपने देश चलाना, और हम लोग जो हैं काफ़ी इन चीज़ों में हम जानते हैं हमारे देश को कैसे चलाया जाएगा और आप लोग जाइए। क्योंकि ब्रिटिश का हमेशा ही कहना था कि तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, हमने तुम्हें सब कुछ ये दिया है, लेकिन ये सब टोटली गलत था। ब्रिटिश ने जो भी काम किया वो शोषण के लिए किया, पैसा लूटने के लिए किया, जिससे कि वो उसको इंग्लैंड ले जा सके। बहुत से लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश ने रेल बनाई, ये करा, वो सब इसलिए किया कि वो एक जगह से दूसरी जगह भारतवर्ष में बहुत रैपिडली ट्रेवल कर सकते थे। उस जमाने में एयरक्राफ्ट नहीं था, प्लेन्स नहीं थे, तो उसके लिए जो है उन्होंने अपने रेल वही सब सदस्य बनाए। गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमारे पास में इतनी क्षमता है कि हम अपने देश की जो राजनीति है, अपने देश की जो चीज़ें हैं वो हम संभाल सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी करियर छोड़कर और वो इसमें कूद पड़े। गांधी जी ने क्या किया, ये गांधी जी की फोटो है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। इतना उनके ऊपर प्यार था कि कहीं भी जाते थे
किसी भी देश में, एक तो बहुत कम देश में गए वो, तो सारे के सारे लोग उनको देखने आते थे, सारे के सारे लोग उनको सुनने आते थे, क्योंकि बड़ी बड़ी शक्ति थी उस जमाने में। और भी शक्तियाँ थी, माओ था, स्टालिन था, इस तरह के हिटलर आया बाद में, लेकिन जितना लोगों को गांधी जी के ऊपर प्यार था, जितना लोगों को ये था कि गांधी जी एक ऐसा आदमी आया है जिसने नॉन वायलेंस, जिसने कब एक भी शास्त्र ये शस्त्र नहीं उठाया, और उसके ऊपर जो है उन्होंने सारे देश की जो लड़ाई नॉन वायलेंट जीती है, इससे ये बहुत ही बड़ी महानता थी। सबसे बड़ी जो चीज़ थी गांधी जी ने करी वो ये दिया कि हमें कॉन्फिडेंस दिया, हमारा जो मनोबल, हमारी जो डिग्निटी जो अंग्रेजों को ख़त्म कर दी थी, गांधी जी ने कहा कि हमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है, खाली हमारा कलर जो है, हमारा जो चेहरे का जो रंग है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन हमारे में भी वही उतना ही दिमाग है जितना अंग्रेजों में। इसलिए जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जब हमें कॉन्फिडेंस मिला, जब हमारा मनोबल बढ़ाया गांधी जी ने, तो उससे जो था हमें एक नई शक्ति आई कि हम फाइट करेंगे, हम अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे और अपने देश की बागडोर अपने आप संभालेंगे। गांधी जी ने दिखाया कि हम अपने देश को अपने आप चला सकते हैं, हमारे पास सारे लोग हैं, हमारे पास इतने लोग पढ़े लिखे हैं, उस समय पढ़ाई लिखाई भी उन्हें बहुत पढ़ाई नई तालीम छूट गई, और ये दिखाया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो देन थी वो ये थी कि नॉन वायलेंस, बिना हथियार उठाए हुए एक बिल्कुल नया थॉट, एक नई चीज़ जो है वो दे सारे दुनिया को दी कि इस तरह से भी फाइट करी जा सकती है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि मार्टिन लूथर किंग, जो कि बहुत बड़ा लीडर था अमेरिका के, उसने गांधी जी से प्रेरणा ली, सारे लैटिन अमेरिका में बहुत लोगों ने प्रेरणा ली, मिडिल ईस्ट में लोगों ने प्रेरणा ली कि गांधी जी का जो मेथड है उसी से हमें आज़ादी मिलेगी। जब हमें आज़ादी मिली तो बच्चों, तुम्हें ये देख ली सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि कम से कम 25-30 लोगों को इसी तरह से उन्हें काम करके वहाँ के लोगों ने आज़ादी ली। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि एक नया सोच जो है जो दुनिया को दिया गांधी जी ने, वो था नॉन वायलेंस और पीसफुल प्रोटेस्ट। और गांधी नेहरू की लीडरशिप जो थी उस जमाने में वो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। यहाँ तक कि जब नेहरू जी 1960 में गए अमेरिका, तो केनेडी उस समय प्रेसिडेंट था, केनेडी का ने कहा लोगों से कि नेहरू इज़ माय हीरो। आप सोच सकते हो कि उस जमाने का प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो कि सबसे पावरफुल आदमी था, उसने कहा कि नेहरू और गांधी जी की जो लीडरशिप थी वो उसने हमें बहुत प्रेरणा दी, और हमें लगा कि दुनिया में फ्यूचर जो है वो इसी तरह के नॉन वायलेंट, पीसफुल और सेक्युलर मेथड से होना चाहिए। गांधी जी ने सबसे बड़ी गांधी जी की सबसे बड़ी और खूबी थी कि वो सबको एक साथ लेके चलते थे। ये जो है ये बम्बई में का की फोटो है, जहाँ पर ये औरतें जो है उन्होंने अपना, ये उस जमाने में सारे दुनिया में औरतों का बड़ा शोषण होता था, ये गांधी जी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, 50% हमारी पॉपुलेशन जो है वो औरतों की है, और औरतें भी जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेंगी, और बहुत ही लार्ज स्केल में महिलाएं इंडियाज इंडिपेंडेंट मूवमेंट में बाहर आई और बहुत योगदान दिया, बड़े बहुत ही अच्छा काम किया। तो गांधी जी थे वो सबको अपने साथ लेके चलते थे। उसका कारण यह था कि गांधी जी बहुत निडर थे, उनको कोई डर नहीं लगता था, इसलिए वो सोचते थे कि हर आदमी इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी अच्छी चीज़ होती है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और उसकी वजह से उनका ये हमेशा से ये बोला था, ये रहता था कि कोई भी अच्छा काम करता है उसको साथ लेके चलो। ये बच्चों तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा कि गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर में बहुत मतभेद थे, और बहुत से लोगों ने कहा था कि अंबेडकर को नहीं लाना चाहिए, लेकिन गांधी जी थे जिन्होंने उनसे कहा, नेहरू से और सब लोगों से, कि अंबेडकर बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत विद्वान है, और यही जो है भारत का संविधान बना है। ये गांधी जी की बड़ी भारी बड़प्पन था कि वो उन्होंने जो भी उनको अपोज भी करता था, लेकिन अगर वो देखते थे कि उनमें खूबी है
कोई अच्छी चीजें हैं तो उनको सबको एक साथ लेके चलते हैं। इसलिए गांधी जी की जो हम लोगों की जो इंडिपेंडेंस फाइट थी उसमें हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन दलित सब लोगों ने महिलाओं ने बड़े नंबर्स में लार्ज नंबर्स में पार्ट लिया फ्रीडम दिलवाने के लिए। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी जात कोई और हो हमारा धर्म कुछ और हो लेकिन हम सब जो हैं वो इस देश का हिस्सा है और इस देश को आगे बढ़ाने में हम सबको एक साथ काम करना चाहिए। ये बड़ी भारी चीज थी गांधी जी ने की थी और यही जो है हम लोगों को अभी सोचना चाहिए। तुम लोग बच्चों अब आगे बढ़ के इस देश की बागडोर संभालोगे और हमेशा ये सोचो कि जो भी हम इस देश में रहते हैं हम सब एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए और हमें जो है एक साथ इस देश को बहुत समृद्ध बनाना चाहिए। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि जो प्रोपोगंडा करते हैं इस देश को बांटने में लगे हुए हैं जात और रिलीजन के उसमें उनसे सतर्क रहो क्योंकि इस देश के सारे देशवासी जो हैं वो हम लोग एक हैं इसी मूल के हैं। हमें कोई फर्क नहीं है हम कहीं और किसी और दुनिया देश से नहीं आए हैं इसी देश के लोग हैं। हमारे धर्म कुछ और होंगे हमारी जाति कुछ और होगी इन सबको कभी भी मत सोचो। हमेशा ये सोचो कि हम कैसे मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लोग बहुत कहते हैं कि नहीं 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 ये इस देश को जो है आज़ादी दिलवाई सुभाष चंद्र बोस ने और या बाकी भगत सिंह ने। ये सोचना चाहिए बच्चों कि उस समय इन लोगों का महत्व बहुत ही कम था। ये अब हम लोग जो है इसको बात करते हैं कि उस जमाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो गांधी जी का मूवमेंट था और क्यों छोड़ा ब्रिटिश ने। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इतना भारी मूवमेंट था गांधी जी का कि उसको संभाल नहीं पाए थे। उनको लग रहा था कि दिन पर दिन जो है ये मूवमेंट बढ़ेगा नॉन वायलेंटली। अब ये देख रहे हो कि वो पुलिस वाला उनको मार रहा है लेकिन एक भी कोई किसी पुलिस को वापस मारता नहीं था। सब लोग इतने नॉन वायलेंटली उनको उनका अपोज करते थे उनका विद्रोह करते थे और ब्रिटिशर्स को लगा ये मूवमेंट जो है बढ़ता ही गया तो बहुत ही परेशानी होगी और तंग आ गए थे। और दूसरी बात जो थी सबसे बड़ी जिससे कि ब्रिटिश यहाँ से गए वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार उनकी हुई। जर्मनी ने बहुत उनकी छुट्टी करी। वो तो अमेरिका जब था जब वो उनके पक्ष में आया अमेरिका ने हेल्प कर कर उनको बचाया वरना ब्रिटिशों का तो एकदम सारा ख़त्म ही हो गया था क्योंकि जर्मनी ने इतनी बम्बार्डिंग करी थी इंग्लैंड की कि उनके सारे शहरों को नष्ट कर दिया था। बहुत परेशानी हुई थी और उस समय बिल्कुल ब्रिटिश जो थे वो एकदम बेकार हो गए थे। तो उनको लगा कि इस मूवमेंट से अब उनको कुछ मिलने वाला नहीं है हिंदुस्तान से और वो हार चुके थे तो इसलिए जो थे उन्होंने कहा कि बेस्ट रहेगा कि इसको इनको वापस देश जो है इनका दे देंगे। इसलिए जैसे ब्रिटिश यहाँ से गए ना कि किसी छोटे मोटे म्यूटनी और ये सब जो जो कहा जाता है ये सब बहुत ही छोटी चीज है। अब ये है कि तुम लोग क्या कर सकते हो क्योंकि तुम फ्यूचर हो इस देश के और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें इस आज के दिन हमें ये शपथ लेनी चाहिए और हर स्वतंत्र दिवस पर ये तुम्हें शपथ लेनी चाहिए कि हम एक नया फ्रीडम स्ट्रगल करेंगे जिसमें यहाँ से करप्शन हटाएंगे यहाँ से भुखमरी हटाएंगे यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन हटाएंगे जिसमें कि भेदभाव हटाएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक दूसरे को की नफरत जो है वो हटानी चाहिए। जब ये हम लोग चारों चीज़ों करेंगे तो ये देश जो है बहुत आगे बढ़ सकता है क्योंकि हम लोग सब मिलकर काम करेंगे हमें सबको जो है एक साथ ही काम करना है। अगर हम लोग बटे रहेंगे एक दूसरे को मारते रहेंगे कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर तो जो लोग हैं जो हमें बांटना चाहते हैं उनका ही मजा होगा वो हमें कंट्रोल करते रहेंगे। ये देश हमारा है हमें ही उसकी बागडोर संभालनी है फ्यूचर में
और ये चीज़ें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे करप्शन हटाया जाए, कैसे यहाँ से बेरोजगारी और गरीबी हटाई जाए, कैसे हम लोग जो है एक दूसरे को हेट ना करें, एक दूसरे पर वार ना करें, सब मिलजुल के रहें, ये सबसे बड़ी चीज़। दूसरा, ये इन सब करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम सब लोगों के लिए, वो ये है कि तुम जो भी काम करो उसमें सबसे अच्छा करो, एक्सेल करो, कुछ भी काम करो जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो काम जो करो उसमें नंबर वन रहो। तुम्हें गाना अच्छा लगता है, उसमें ट्राई करो कि कैसे तुम नंबर वन आते हो। तुम्हें नाचना अच्छा लगता है, उसमें ट्राई करो कि कैसे तुम सबसे बढ़िया डांस कर सकते हो। तो जो भी तुम काम बढ़िया करोगे उसमें तुम फोकस करोगे, क्योंकि वो काम कभी भी बढ़िया तभी होता है जब आदमी का दिमाग जो है उस चीज़ में फोकस होता है। जब फोकस करना शुरू करोगे और ये हमेशा SMS ये सब चीज़ें नहीं करोगे, तो तुम्हें तुम्हारा दिमाग जो है, तुम्हारा मस्तिष्क जो है, वो एकदम बहुत पावरफुल हो जाएगा। और जब तुम्हारा मस्तिष्क बहुत पावरफुल हो जाएगा, तुम्हारा ब्रेन बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर तुम इन सब चीज़ों को सोच सकते हो, करप्शन, पावर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, और उस पर तुम काम कर सकते हो कि कैसे हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो तुम ये कर सकते हो कि तुम्हारे चारों तरफ क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी जो भी तुम्हें प्रॉब्लम दिखती है, और तुम्हारी क्षमता कितनी है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि तुम सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, तुम बड़ी भारी बात करो, कुछ करो, लेकिन तुम अपने हिसाब से, अगर तुम्हारे घर के सामने कोई चीज गंदगी है, तुम झाड़ू लेके आओ, उसको साफ करो, अलग रख दो। अगर सब लोग अपने अपने चारों तरफ के चीज़ों को ठीक रखेंगे तो ये देश जो है बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये एक अजीब ये चीज़ होती है कि जब तुम दूसरे लोगों को हेल्प करते हो, तुम अपने आप को हेल्प कर रहे हो, क्योंकि तुम उससे जो है बेहतर इंसान बन सकते हो, बहुत अच्छे आदमी बन सकते हो, और बहुत चारों तरफ मेल प्रेरणा दे सकते हो लोगों को कि प्यार से रहो और मेल मिलाप करो। ये सब करोगे तो इससे जो है पहला स्टेप है टू मेक इंडिया ग्रेट। क्योंकि ऐसी चीज होती है जब तुम ये सब करना शुरू करोगे तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, कॉलेज में जाओगे, ये हमेशा करते रहो, कभी मत सोचो कि ये मेरा काम नहीं है। क्योंकि सब काम जो है इम्पोर्टेंट काम होते हैं, और वो अगर सब करेंगे तो ये देश जो है बहुत आगे बढ़ेगा। और तुम ही जो है, जो यंग लोग हो, जो भाई बच्चे हो, बाद में अडल्ट बनोगे, आगे बागडोर संभालोगे, इन सबको करने के लिए तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान चाहिए। इसी पर मैं तुम्हें फिर से स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू पापा। और तुम्ही आता मुलांना अनम्यूट करू शकता, यू कैन स्टॉप शेअर नाउ। मुलांना तुम्ही आता अनम्यूट करू शकता आणि तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता। सगळं ऐकून तुम्हाला काही प्रश्न पडलेत का, की विशिष्ट काही तुम्हाला स्वातंत्र्य लढ्याबद्दल काही विचारायचं आहे? शिक्षकांनाही काही प्रश्न असतील तर ते विचारू शकतात। नाही, मला एक प्रश्न। हा, विचारू शकेल। जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या लूट कर वो चले गए? अनम्यूट करना। यहाँ से सारा सोना चांदी, यहाँ के जो लोग थे वो जहाँ जहाँ अंग्रेजों की कॉलोनी थी वहाँ भारतीयों को ले जाते थे मजदूर के नाम पर, और सारा काम करवाते थे। वो हर चीज में शोषण
देखो मुसलमान भी आए थे, 1000 साल उन्होंने किया, वो यहाँ से बहुत कम चीजें ले गए क्योंकि यहीं पर रहे हुए। अंग्रेज जो थे इसको बिल्कुल बेकार की जगह मानते थे और इसलिए जो है वो सारी चीजें जो थी वो इंग्लैंड ले आना चाहते थे। अगर अंग्रेज भारत में आते ही नहीं तो क्या भी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है वो क्या अलग ही नहीं होते क्या? वो भी हमारे साथ ही रह रहे होते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रह रहे होते। अंग्रेजों ने ही वो थोड़ा, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हमेशा उनकी पॉलिसी यही थी कि बांटो और रूल करो, क्योंकि अगर सब सी गांधी जी की जो सबसे बड़ी देन थी वो सबको एक साथ लेके आए। जब सब अगर अलग अलग होते तो अंग्रेजों को बड़ा मजा आता। इसीलिए जो है तुम सब बच्चे जो हो ये हमेशा ध्यान रखो कि लोग तुम्हें बांटे नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो इसी से आती है कि हम सब एकत्रित होकर इस देश को आगे बढ़ाएं। तो आज भारत कैसा होता अगर अंग्रेज यहाँ पर आते ही नहीं तो? हाँ तो भारत जो था वो अखंड भारत होता। बर्मा भी हमारे साथी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान, क्या कहते हैं पाकिस्तान, सभी, क्योंकि हमारा जो तो पुराना राज्य था वो हिंदू कुश माउंटेन तक था, तो अफगानिस्तान का भी पार्ट जो था वो भारत का ही अखंड था। जब हमारे ऊपर सब लोग शोषण करते थे तब हम पुलिस को कंप्लीट क्यों नहीं करते? बेटा पुलिस हमारे हाथ में नहीं थी, पुलिस जो थी वो अंग्रेजों की थी। शोषण जो था वो पुलिस जो थी वो अंग्रेजों का काम करती थी, तो पुलिस और शोषण करती थी हमारे ऊपर। पुलिस हमारे हाथ में नहीं थी। जब हमारे फादर जो है जेल में गए तो वो उनका बहुत शोषण हुआ। वो उनको एक कोठरी में बंद कर दिया, पुलिस लोगों ने उन पर ज्यादती करी। उन्होंने अपने बारे में लिखा है, हवालात उनके नाम की एक किताब छापी है और वो हिंदी में है, और मदुरा ताई जो है वो आपको उसका लिंक शेयर कर सकती है। और क्वेश्चन? सर आप जब छोटे थे मतलब जब अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ रहे थे तब आप छोटे थे क्या? हम पैदा नहीं हुए थे, हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए 1950 में। ये तो हमारी अच्छी बात है हमारे कर्म की कि हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, लेकिन हमारे फादर जो थे वो अंग्रेजों के साथ जेल, अंग्रेजों के अगेंस्ट जेल में गए थे, तो उनके दोस्त और बाकी सब लोग उनको हमें बताते थे कि किस तरह से अंग्रेज शोषण करते थे, क्या क्या करते थे। महात्मा गांधी जी ने मिठा का सत्याग्रह क्यों किया? कब कब सत्याग्रह? मिठ का। हाँ वो 1930 में किया, क्योंकि वो क्या हुआ, अंग्रेज इतने शोषण करते थे, हर आदमी जो है वो मीट खाता है, और मीट ऐसी चीज है चाहे गरीब हो अमीर हो सब खाते हैं, और बेचारे जो गरीब थे उस जमाने में उनको कुछ मिलता नहीं था, तो वो रूखी सूखी रोटी जो थी वो खाली मीट और तीखट से खाते थे। उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया जिससे कि हर आदमी जो है उसको जो वो टैक्स देना पड़ेगा, और उससे जो है और शोषण होता। तो गांधी जी ने कहा कि एक ऐसी चीज जिसके बिना कोई रह नहीं सकता उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए ये सबसे खराब चीज है। तो उन्होंने जो है डांडी मार्च किया कि मैं जाकर नमक बनाऊंगा, और देशवासियों से कहा कि सब नमक बनाओ। तो उससे फिर फाइनली उन्होंने टैक्स वापस लिया अंग्रेजों ने, और उससे एक और बड़ी भारी बात हुई कि गांधी जी ने सबको एक साथ करा, क्योंकि सब जो थे उन्होंने कहा कि ये टैक्स ये खाली सॉल्ट बनाने का वो नहीं है, ये पूरे देश को एकत्रित होकर अंग्रेजों के शोषण से लड़ना है। सर माल एक प्रश्न है। हाँ
15 अगस्त च्या रात्री 12 वाजताच का आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले? क्योंकि इसलिए क्योंकि नया जो दिन शुरू होता है वो मध्यम रात्रि के बाद ही शुरू होता है, इसलिए जो है हमारा दिन जो है कि हमने 15 अगस्त 1947 तो 12 बजे से शुरू हुआ, तो इसलिए हमें उस समय ही जो थी आजादी मिली। मुझे लगता है उसे पूछना कि वही दिन क्यों तय किया गया? हाँ, वही दिन क्यों तय करा गया? तो ये सभी लोगों ने मतलब कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि 15 दिन कोई भगवान लगेगा, लेकिन ये है कि इतना डिस्कशन होता था तो ये हुआ कि भाई इस दिन सितंबर हो सकता था, जुलाई हो सकता था, लेकिन ये है कि जब भी जिन लोगों ने कांग्रेस वालों ने डिसाइड किया कि 15 अगस्त करेंगे बस हो गया। थैंक यू कृष्णा। है अगला प्रश्न है, मराठी सांग आपल्याला स्वातंत्र्य कस काय मिळालं? म्हणजे काय म्हणायचंय तुला नक्की? सई कस मिळालं म्हणजे तुझा नेमका प्रश्न सांगतेस? काय करून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं? अच्छा, कैसे मिली हमें आजादी, ये पूछ रही है वो। बेटा आपने बताया ना कि जब गांधी जी ने एक बड़ा भारी अभियान चलाया था, सारे देशवासियों को एकत्र किया, सभी लोग शोषण से बहुत परेशान थे, तो इसीलिए जो था हमें आजादी मिली, हम लोग सब लड़े तो अंग्रेजों को निकालने के लिए, इसलिए मिली। मतलब अंग्रेजों को मारा या आंदोलन किया? नहीं, मारा बिल्कुल नहीं, हमने आंदोलन किया। ये सबसे बड़ी देन थी इस देश की कि बिना हथियार के बिना मारे हुए और अंग्रेज चले गए सारी जगह, और जो है लोगों ने लड़ाई लड़ी, चाइना में भयंकर लड़ाई हुई, उसमें करीब 1 करोड़ लोग मरे, बाकी रशिया में लोगों को आज़ादी मिली लड़ाई लड़ने से, ढेर सारे लोग मरे। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश था जहाँ पर बिना लड़ाई के अंग्रेज चले गए। वो बात दूसरी थी कि वो देश को बांट गए, तो वो सबसे खराब चीज थी, लेकिन अगर वो नहीं बांटता तो हम लोग उसे बहुत ही अच्छी तरह से रहते। सर, सब जगह पर उन्होंने काबू किया था, मतलब पूरे जग में, वो सारी दुनिया में, मतलब कि चाहे वो इंडिया हो, क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया हो, अफ्रीका हो, नाइजीरिया, कीनिया, सब में उनका राज था। वो पूरी उनका धंधा ये था कि हर जगह जाओ, शोषण करो, वहाँ से जो पैसा और बाकी चीजें जो है लूट के लाओ और इंग्लैंड को आगे बढ़ाओ। मेरा एक प्रश्न है, अगर अंग्रेज नहीं आते तो हमारा इंडिया का हालत कैसा होती, हम इतने प्रगतिशील बने? देखो ये चीजें जो है ये इन पर अटकलें लगाना कोई संभव नहीं है, क्योंकि अंग्रेज क्यों आए ये सोचना चाहिए। अंग्रेज आए हमारी ही गलती से, हम लोग आपस में लड़ते रहते थे, अंग्रेजों ने पूरा उसका फायदा उठाया। हम लोग हमेशा जो है अगर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तो कोई भी ताकत आएगी और वो उसका फायदा उठा सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि सबको मिल कर ही चलना चाहिए। अभी भी जो है लोग एक दूसरे को लड़वाते हैं कि तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारी ये जाति है, वो सब नहीं होना चाहिए। हम इंसान हैं, कोई किसी धर्म के आदमी के पास में 3 आंखें नहीं होती हैं, 4 कान नहीं होते हैं, उसका रक्त जो है वो डिफरेंट कलर का नहीं होता है। हम लोग सब इंसान हैं और इस देश के जो निवासी हैं वो सब एक साथ ही हैं। सर, जर त्यांना आपला भारत बर्बादच करायचा होता तर त्यांनी धरणे वगैरे असे का बांधले आपल्या भारतामध्ये? उन्हें अगर हमारा देश बर्बाद ही करना था तो उन्होंने डेवलपमेंट क्यों की, जैसे डैम? कोई डेवलपमेंट नहीं करी। उन्होंने बताया कि वो उन्होंने रेल बनाई जिससे कि वो एक कोने से दूसरे कोने में बहुत तेज चले जाए, उन्होंने थोड़ी बहुत रोड्स बनाई जहाँ पर वो जा सकते हैं, उन्होंने सारा जो
एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो बनाया जिससे कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकें, वो सब काम जो था उन्होंने किया जिससे कि वो शोषण और अच्छा कर सकें। अब ये सोचो कि अगर उनको दिल्ली से तमिलनाडु जाना पड़ता 3 महीने में, तो तमिलनाडु में कुछ भी हो सकता था 3 महीने में। उन्होंने ट्रेन के सारे सब चीज़ें बनाई, रेल बनाई जैसे कि बहुत फास्ट जा सकें, सब जगह जो है वो मिलिट्री भेज सकें, सब जगह पुलिस भेज सकें। तो ये सब चीज़ें थी उन्होंने इसलिए करी थी जिससे कि वो शोषण और भी तेज कर सकें, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। प्रश्न आपके पिताजी ने गांधी जी को आखिर किस तरह से मदद की? भाई देखो, उनकी तरह लाखों बच्चे थे, लाखों स्टूडेंट्स थे जो कि जेल गए क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी कर रहे थे। उनका दान था ये सब चीज़ों करने में, पर्चे छापने में, क्योंकि सारी चीज़ें जो थी गांधी जी के मूवमेंट की सब बैंड थी उस जमाने में। अखबार सब बैंड कर दिए गए थे जो कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट की चीज़ों को बताते थे, तो सब रात को छुप छुप के पर्चे छापते थे गांधी जी का संदेश, क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, फोन्स नहीं थे, तो कैसे गांधी जी की बातें जो हैं वो सारे हिंदुस्तान में फैलाई जाए, ये यंग स्टूडेंट्स ही करते थे। पर्चे छापते थे, जाके पर्चे देते थे, भाषण देते थे गांधी जी के वो क्या कहते हैं उसूलों के ऊपर। तो ये सब चीज़ें थी जिनसे गांधी जी का प्रचार बहुत आगे। सर, जब गांधी जी भाषण करते थे तब अंग्रेज आकर उन्हें पीटते थे या नहीं? हाँ, तो वो उनको जेल में कर देते थे, जहाँ भी उन्होंने जो था एक के बाद एक मूवमेंट चलाया तो फौरन उनको जेल में कर दिया जाता था। उनको, नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को, सारे लीडर्स जो थे वो जेल में जाते थे। हमारे फादर भी थे, वो भी क्या कहते हैं थोड़े से उनके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम था उनके सिर पर 1942 में, तो वो भी एकदम से पकड़े गए 42 में। इस तरह के सभी लोगों को था वो जेल में डाल दिया। सर, आपके जो पापा थे तो वो आपको कोई कहानी सुनाते थे क्या उस वक्त की जब वो लड़ाई कर रहे थे? आप हमें एक बता सकते हैं कोई अनुभव उनका? हाँ बेटा, उन्होंने एक किताब लिखी है हवालात अपने जेल के बारे में, संस्मरण लिखे हैं। तो किस तरह से उनको एक अकेली कोठरी में बंद कर उनको सोने नहीं दिया जाता था, उनको मारा तो नहीं क्योंकि उस जमाने में जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे तो उनको ये डर था कि ये आगे बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन हर तरह की गंदा खाना देते थे, पानी ठीक से नहीं देते थे, तो उस तरह की चीज़ें बहुत थी। और फिर उसके बाद में जब वो हवालात से जेल में आ गए, लखनऊ जेल में, तो जितने भी लीडर्स थे बड़े बड़े जो कि बाद में चीफ मिनिस्टर्स बन गए, प्राइम मिनिस्टर बने, वो उनके साथ थे। तो वो लोग सब डिस्कस करते थे भाई क्या करना चाहिए, किस तरह से देश को जो हम आज़ादी मिलेगी आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चर्चा थी क्योंकि सब लोग जो थे वो सोचते थे कि कैसे इस देश को आगे बढ़ाया जाए। अपने बारे में बहुत कम लोग सोचते थे, क्योंकि गांधी जी की सबसे बड़ी जो ग्रेटनेस थी, उन्होंने ऐसा एक नया थॉट दिया कि सब लोग जो थे वो देश के बारे में सोचते थे। तो वही मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बच्चे हो, अब ये इस देश के बारे में सोचो कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, कैसे अच्छा करते हैं, कैसे इसको समृद्ध करते हैं। और क्वेश्चन? गांधी जी इनको गोली काई को मारी? बेटा ऐसा था कि बहुत से लोग जो थे वो बहुत गलत फहमी में थे, उनको यही तो मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ कि हमेशा ये ध्यान रखो कि तुम्हें कोई बुलावे में, कोई गलत बातों में ऐसा ना करे कि ये चीज़ खराब है, ये चीज़ सोचना चाहिए। उसी तरह से उन भूले बसरे लोगों को एक विचारधारा शुरू हो गई कि गांधी जी को ख़त्म करो क्योंकि यही जो है देश को ख़त्म कर रहे हैं। वो सोच नहीं पाए कि इस देश को इंडिपेंडेंस देने में गांधी जी ने कितना बड़ा योगदान किया। उनकी विचारधारा इतनी छोटी थी कि वो बिल्कुल ही सोच नहीं पाए और उसमें जाकर उन्हें गोली मार दी। सर, अगर अंग्रेज हमारे इंडिया में नहीं आए थे तो आज भी हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि अंग्रेज उस जमाने में जब
हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि हमारी एग्रीकल्चर बहुत ही आगे बढ़ा था, हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज जो कि कॉटेज इंडस्ट्रीज थी जिसमें कि हम बुनने ये कपड़े बनाने का बहुत आगे बढ़ा था, और ये सब खत्म कर दिया। उनका पर्पस ही ये था कि यहाँ की किसानों को एकदम खत्म करो, जिससे कि सारी चीजें जो है वो इंग्लैंड और बाकी जगह हो, पूरा खत्म ही कर दिया उन्होंने सब चीजें। और मैं चाहता ये हूँ कि तुम जो है बहुत अच्छी किताबें हैं नेशनल बुक ट्रस्ट और बाकी जो कि बताती हैं सही में कि हिंदुस्तान कैसा था, कैसे कैसे जो है उसका प्रोग्रेस हुई, उनको पढ़ो। आज का जो प्रोपेगेंडा है जो कि हमें कास्ट और रिलीजन पर बांटता है, उसके ऊपर मत विचार करो, हमेशा जो है पुरानी चीजें हैं उनको पढ़ना चाहिए। सर, आपके पिताजी का नाम क्या था? जगदीश प्रसाद राजवंशी। मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो। जब अंग्रेज आए थे पहले तभी उनको क्यों नहीं बाहर ढकेला गया? हाँ, उनको क्यों आने दिया? इसलिए क्योंकि हम लोग सब जो थे वो एक तरह से एकत्रित नहीं थे, हम लोग सब एक दूसरे को लड़ते थे। देखो, ये देश जो था वो अलग अलग वो थी, छोटी छोटी किंगडम को क्या बोलते हैं, संस्थान थे, राज्य होती, राज्य होते खूब सारे। फल्टन जो था वो भी राज्य था, फल्टन का राजा था यहाँ पर। इस तरह के हर एक अलग अलग वो थे और आपस में एक दूसरे को लड़ते रहते थे क्योंकि ये हमारी जमीन है, ये हमारी चीजें हैं, इस पर मत कब्जा करो। तो जब ये हम आपस में लड़ रहे थे तो कोई भी बाहर की ताकत आएगी वो कि वाह ये बहुत अच्छी चीज है, सब लड़ते हैं तो ये इनको जो है बांटो और इन पर कब्जा कर लो। सारा जो कब्जा हुआ इस देश का वो ऐसे हुआ। तो मुझे लगता है शायद ये सारे बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं कि ये सारे राजा वगैरह फिर वैसे ही रहते हैं क्या, या जब अगर डेमोक्रेसी आती क्या ऐसे नहीं, तो ये इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि क्योंकि सारी दुनिया में चीजें चेंज होती हैं। पहले सारी दुनिया में राजा महाराजा ही थे, डेमोक्रेसीज आई, फिर उन्होंने राजा महाराजों को निकाला। यहाँ पर सबसे बड़ी जो देन थी इस चीज में वो वल्लभ भाई पटेल की थी, जिसको कि लौह पुरुष मानते हैं। उन्होंने जो है सारे राजा महाराजाओं को सबको कहा कि भाई तुम हिंदुस्तान में आ जाओ और ये हिंदुस्तानी जो है तुम्हारी फ्यूचर भूमि है, तो सबको उन्होंने जो है हिंदुस्तान में विलय कर लिया। कदाचित भारतात प्रत्येक देशामध्ये बदल होतात, तसे होत गेले असते, पण इंग्रज आल्यामुळे खूप चांगलं झालं, त्यांनी खूप डेव्हलपमेंट केली, असं काही मानायला नको, असं एका प्रकारची विचारधारा किंवा अभ्यासक सांगतात। ओके, आणखी पुढे कोण विचारत आहे? होते ही, जब भारत पे अत्याचार हो रहा था तब भारत ने किसी और देश की मदद क्यों नहीं? नहीं बेटा, उस समय क्या था कि ये इंग्लैंड जो था बहुत बड़ी पावर थी। बहुत बार इसने अमेरिका ने कहा कि देखो हमने भी तुमसे आजादी दी, तो मालूम है अमेरिका को भी आजादी जो थी वो इंग्लैंड से मिली। अमेरिका जो था वो इंग्लैंड की कॉलोनी थी जैसे ही भारत कॉलोनी थी, लेकिन वहां पर उन्होंने 1776 में आजादी ले ली। और इसलिए था हमेशा अमेरिका को ये था कि भाई हिंदुस्तान को भी आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन इंग्लैंड इतना पावरफुल और इतना बेकार का देश था कि और कि उस पर कोई किसी का असर नहीं पड़ता था। बहुत लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान को आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन वहाँ के लोगों को मालूम था कि हिंदुस्तान को जिस दिन आज़ादी दी वहाँ से पैसा आना बंद हो जाएगा, वहाँ से सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। वो रीज़न था जिसकी वजह से वो आज़ादी नहीं दे सकते। तुम्हें मालूम नहीं होगा बेटा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड तो इतना छोटा देश है, उसके पास में मिलिट्री के लोग बहुत कम थे, भारतीय ही थे जो कि सारी जगह जगह इंग्लैंड की तरफ से लड़े। ये कितनी खराब चीज़ है, कितने हजारों लाखों लोग जो है भारतीय मरे,
भगत सिंह और सुखदेव वो तीन लोग हिंसा क्यों चाहते थे? बेटा ये हर एक की अपनी विचारधारा धारणा होती है, वो नहीं सहन कर पाते थे गांधी जी का ग्रेट मूवमेंट, तो उन्होंने वो उसको किया, उससे थोड़ा बहुत वो लोगों को प्रेरणा मिली, लेकिन वो सब चीज़ थी वो धीरे धीरे खत्म ही हो गई क्योंकि एकत्रित नहीं हो सकते थे। और गांधी जी को ये मालूम था कि अगर ये वायलेंस शुरू हो गया तो उसका कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटिश जानते थे इस वायलेंस को कैसे रोका जाए, कैसे उस पर काबू करा जाए, लेकिन नॉन वायलेंस को समझ नहीं पाते थे कि कैसे इसको हम काबू कर सकते हैं। सर, अंग्रेज आने के पहले हमारे पास खुद का पुलिस स्टेशन था? हाँ, हर एक राज्य में अलग अलग अपनी पुलिस थी, होती थी। तो हम हमारे देश के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाते थे? नहीं, उस जमाने में कोई देश नहीं होता था, उस जमाने में सब राज होते थे, तो सब अपने अपने राज में वो करते थे। जब राज को ले लिया अंग्रेजों ने तो पुलिस वुलिस सब उनके हाथ में हो गई, मिलिट्री उनके हाथ में हो गई। और कुछ बेटा? मुलाना थांबूया आपण, आणखी एक कार्यक्रम पुढच्या प्रश्नमंजुषेचा आहे, त्याला मग आपल्याला उशीर होईल। अनिल राजवंशी जी, पापा आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज टाइम दिया और हमारे स्वातंत्र संग्राम जो था उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी, बच्चों के सवालों के जवाब दिए। हम और भी एक बार कर सकते हैं अगर बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हो तो। बिल्कुल कर सकते हैं, अपन आणखी एकदा पण करूया तुमचे आणखी प्रश्न असतील तर, पण आज आता आपण थांबूया। चालेल, सगळ्यांचे धन्यवाद जॉईन झाल्याबद्दल। अच्छा, मैं अब मीटिंग बंद कर रही हूँ। जय हिंद। जय हिंद, थँक्यू सगळ्यांना।